नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बात करेंगे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान बात करें तो हालांकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, विधायक सीपी सिंह ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वही विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने का मामला एक बार फिर से जोरदार तरीके से सदन में उठा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सदन के स्पीकर पर यानी सवाल उठाए। वहीं 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पास हो गया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में आज यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी। सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। मालूम हो कि झामुमो के विधायक लोबिन एमरम ने पिछले दिनों सदन में मुख्यमंत्री से झारखंड में शराबबंदी लागू करने की मांग की थी। वहीं प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर भाजपा विधायक बाने प्रताप शाही ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार चला रहे या डमरू बजा रहे हैं। इस पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बाने प्रताप शाही से अपने इस बयान पर तुरंत माफी मांगने की बात कही। बीजेपी विधायक नारायण दास ने पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा विदेश में पाने के लिए छात्रवृत्ति का सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि पहले से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सरकार इस पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है और इससे पहले सदन के अंदर विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान पर नियोजन और स्थानीय नीति बनाने का सवाल उठाए है। और जिसके बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हर पहलू का अध्ययन कर रही है। खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग की जा रही है। झारखंड के अधिकतर जिलों में 1879, 1894, 1910, 1912, 1915, 1920 व 1928 में ही अंतिम बार सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा हो चुका है। कुछ जिलों में अंतिम बार सर्वे सेटलमेंट 1935 इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। जनों ने राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है और अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन सदन के बाहर भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता के मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। सदन की कार्यवाही से वापस लौटी आसू विधायक सुदेश महतो ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। तो वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि किसी भी हाल में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता मुद्दा लागू किया जाएगा। मंत्री का जवाब टालने वाला नीतिगत प्रश्न पर, इस राज्य के ज्वलंत विषय पर मुख्यमंत्री का अस्पष्ट जवाब आना, टालने वाला जवाब आना, ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीर नहीं है, राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। हमने आग्रह किया कि जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बन जाती तब तक नियुक्ति पर रोक लगाया जाए। इस पर भी बहुत जल्द कह के उनके मंत्री निकल जाते हैं। ये दो तरह का उनका बयान होना है। सब लोग आगे पहिए पर, हमने पहिया चढ़ा दिया था स्थानीय 1932, अब सबको बोलने लगा अब होगा।
हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता है 1932 को। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने और स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर जोरदार आवाज किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को हर हाल में नेता प्रतिपक्ष बनाना होगा, नहीं तो विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक साजिश के तहत बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही है। वही स्थानीय नीति पर विपक्षों ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले जनता को गुमराह करने का काम सरकार ने किया है, स्थानीय नीति जल्द लागू करे। सर्वसम्मति से जब माननीय बाबूलाल मरांडी जी को हम लोगों ने विधायक दल का नेता माना है तो उसको ये सरकार अभी तक मान्यता देने का काम नहीं कर रही है। बाबूलाल मरांडी से भय और खौफ खाते हैं क्योंकि उनकी जो लोग सरकार जो चल रही है विभिन्न योजनाओं फेल है। यहाँ पे जो विस्थापित हो रहे हैं जिनके वजह से विकास हो पा रहा है पूरे देश का, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दलालों के माध्यम से रैयतों का हक छीन लिया जा रहा है। रैयतों को सही हक नहीं मिल पा रहा है, सही राइट्स नहीं मिल पा रहा है। कुछ भी थोड़ा अपना बात रखने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, है ना? ये तो नया नहीं है, ये तो पुराना है, क्यों नहीं ये भी आप लोग जानता है, उसका परिचय कहाँ से आया है ना, वो सब देख रहा है, स्पीकर देख रहा है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट के साथ। संदीप, झारखंड में अनुपूरक बजट पेश किया गया, 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया, इस बजट में क्या कुछ खास रहा और आज का दिन कैसा रहा? यदि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं विपक्ष आज भी बजट सत्र के दूसरे दिन शुरुआत होने से पहले भी बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। एक जो सबसे पहला मुद्दा था उनका कि बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता जल्द नियुक्त किया जाए और कहीं ना कहीं इसको लेके वे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सरकार या सत्ता पक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं नियुक्त कर रहे हैं। वहीं स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेके भी लगातार सदन में आज पहली पारी में देखा गया तो हंगामा हुआ है। उसके बाद यदि बात करें तो जो कांग्रेस की विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने भी ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेके सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आई। हालांकि इसके बाद आज सोमवार था और प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल रखा गया था और पिछले सत्र में यदि बात करें तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं रखा गया था जिसका सत्ता पक्ष को इसका विरोध भी झेलना पड़ा था। हालांकि इस बार से इसकी शुरुआत हुई है और आज सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने कई सवालों के जवाब दिए। हालांकि सदन के अंदर यदि बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज पहले हाफ में चर्चा की गई है। वहीं अनुपूरक बजट जो रामेश्वर उरांव हैं वित्त मंत्री, उन्होंने लगभग 2600 करोड़ की जो अनुपूरक बजट है उसे पेश किया गया है और अभिभाषण जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चाएं हुई हैं। हालांकि जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं उनको सदन के अंदर रखने का काम किया था और अभी भी कहें तो लगातार सदन की जो कार्रवाई है वह चल रही है। पर कहीं ना कहीं कई ऐसे ज्वलंत मामले हैं जिस पर आज सदन में हंगामा होता नजर आया, चाहे रुपेश हत्याकांड की बात करें या फिर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग करें। हालांकि जो कार्रवाई है सदन की वह लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं दूसरी पाली में बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए अगर बात करें क्योंकि जिस तरह से सदन में काफी हंगामादार देखने को मिला, ऐसे में कहा जाए कि क्योंकि इस बार का भी जो बजट सत्र है वो बिना नेता प्रतिपक्ष का देखने को मिल रहा है और ऐसे में क्योंकि सदन में लगातार नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है वो लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करें क्योंकि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर बात करें तो झारखंड में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर भी सदन में यह मामला उठा कि वो लागू नहीं की जाएगी, उसको लेकर भी कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। हाँ
लगातार कह सकते हैं विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष का मामला हो। नेता प्रतिपक्ष के मामले को लेकर लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लगातार विपक्ष का आंदोलन हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार पर यह आरोप लगा रही है विपक्ष की जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो रुपेश हत्याकांड का मामला है वह भी सदन में लगातार उठ रहा है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वह विपक्ष पे ही आरोप लगा रही है कि विपक्ष यानी बीजेपी कहीं ना कहीं राज्य में एक दुर्भावना फैलाने की कोशिश कर रही है इस मामले को लेकर। जी, हमारे साथ बाबूलाल मरांडी भी है, उनसे भी बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सदन की कार्रवाई हुई है उसके बाद वे बाहर निकले हैं, हालांकि क्या कहते हैं बाबूलाल मरांडी उनकी भी बातें सुनते हैं। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, क्या कहते हैं कार्रवाई से निकले हैं बाहर और कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष का नेता जी अभी तक उनको नहीं बनाया गया है और विपक्ष इस पे लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है, क्या कहते हैं? उनका तंबू तो हम उखाड़ ही देंगे। लेकिन एक और बात आ रही है। हाँ जी बताओ, कौन सा बात? सरकार ने जो स्थानीय नीति को लेकर जो जवाब दिया, क्या भाजपा उससे संतुष्ट है, क्योंकि उसमें डेडलाइन नहीं है? आप लोग हमने कह रहे हैं कि पहली बात तो आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब पहली सरकार बनी थी, हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और सर्वदलीय हमने मीटिंग बुला करके सर्वसम्मत से सभी दलों ने जो कहा उस समय बिहार की जो नियमावली थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया। उसके बाद उसी आधार पर 2015 तक नियुक्तियां होती रही। उस बीच में कई एक नियुक्तियां हुई है, पुलिस में भी बहाली हुई है, शिक्षकों की भी बहाली हुई है, जीपीएस में भी हुई है। उसके बाद बीजेपी की फिर सरकार बनी 2014 में श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में, और उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके 1985 को आधार वर्ष मनाया। लेकिन आज तो हालत क्या है हेमंत सोरेन जी की, जरा सोचिए। जब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे अर्जुन मुंडा के साथ, वही स्थानीय नीति को लेकर के समर्थन विड्रॉ किया, और आप तो 2 साल से भी अधिक समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए और आप कह रहे अध्ययन करा रहे हैं। भाई 14 साल 15 साल 20 साल से क्या कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, क्या कर रहे थे जेएमएम वाले? इसलिए उनकी कोई नीति नहीं, उनको कोई समझ में खुद के भी नहीं आती है, और वो बिल्कुल और निर्णय की और समझ में अभी भी कह रहे हैं कि वो अध्ययन करा रहे हैं। आप आज सुने आपने सदन में उन्होंने क्या जवाब दिया, अध्ययन करा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी की प्रेस